नमस्कार, मैं आनंद ज्ञान बोटे ट्रेडिंग टीचर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में इंस्पिरेशन फॉर ट्रेडर्स, अपने जितने भी ट्रेडर्स लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। तो जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, तो जो नए ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंसड ट्रेडर्स हैं, नोवाइस ट्रेडर्स हैं, एडवांस ट्रेडर्स हैं, तो उनमें कुछ कमियां महसूस की गई है लोगों ने, और इसका स्टेटिस्टिक्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ट्रेडर्स के दिमाग में एक बहुत कुछ चीज़ें छुपी होती है और वो इन चीज़ों से एक ट्रेडर्स परेशान होता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए एक प्रेरणा देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी मार्केट है उसमें कौन कौन सी तीन चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं, और इन तीन चीज़ों को आप याद में रखते हैं कि नहीं, इसको ज़रा आपको गौर करना होगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत कुछ मैं बोलने की कोशिश करूँगा और आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग में एक उत्साह बढ़ाने की, एक प्रेरणा देने की आपको मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला है पैसा, दूसरा है टैलेंट, होशियारी, अकल, तीसरा है पेशेंस, संयम, धीरज। अभी ये पहला जो चीज़ है पैसा, तो मार्केट में एक्चुअल में है क्या? तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर बायर्स हैं, सेलर्स हैं, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, करेंसीज हैं, फॉरेक्स मार्केट है, और सबका एक, इसका जो भी लक्ष्य है, जितने भी लोग इसमें आते हैं वो सब एक दिमाग में एक चीज़ लेकर आते हैं, पैसा। पैसा 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 ही उनके दिमाग में बैठा है, उनमें टैलेंट और पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये बात सुनने में किसी को बुरा लग रहा होगा, तो टैलेंट जो है और पेशेंस है, तो मार्केट में ये दो, और दो नंबर और तीन नंबर की चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बस इसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अकल भी होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए, और थोड़ा सा समय भी होना चाहिए, धीरज मिलना चाहिए, उनके उनमें वेट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो पीपल जो है, जो लोग हैं, उनका उनके दिमाग में एक ही चीज़ फंसी होती है कि पैसा, आज मैं कितना कमाऊंगा, आज मैं कितना कमाऊंगा, आज मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा, 5,000 कमाऊंगा, 100 रुपये कमाऊंगा, 500 कमाऊंगा। तो ये जो पेशेंस है उनके दिमाग में आता ही नहीं है, और टैलेंट तो दूर की बात है। ठीक है, तो जितने भी लोग नए जुड़ते हैं उनको, उनके पास में, उनको एक ऐसा एक इल्यूजन उनके माइंड में क्रिएट किया जाता है ब्रोकर द्वारा या फिर एडवाइजरी कंपनियों द्वारा कि इसमें बहुत पैसा है। मैं भी मानता हूँ कि इसमें बहुत पैसा है, लेकिन बिना होशियारी के, बिना अकल के, बिना पेशेंस के, बिना धीरज के मार्केट में पैसा नहीं है। जो है वो आपका पैसा चला जाएगा अगर आपके पास होशियारी नहीं है, आपके पास अकल नहीं है और आपके पास समय नहीं है। तो मान लो ये दोनों चीज़ें आपके पास है। ठीक है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके पास पैसा है, टैलेंट है, लेकिन पेशेंस नहीं है, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलेगा तो बहुत ही कम मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, पेशेंस है, तो आप पोजीशन ही नहीं ले सकते, आप ट्रेड ही नहीं डाल सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा, राइट? और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैसा और पेशेंस का। ठीक है, आपके पास पैसा है, पेशेंस है, लेकिन अकल नहीं है, तो आपका ट्रेड गलत जाएगा, आप उसमें बैठे ही रहोगे, लॉस में बैठे रहोगे, बड़े बड़े लॉसेस आपके कट नहीं करेंगे आप। तो उसमें ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको इसी तरह से आपको जुड़ाना है कि आपके पास अकल होनी चाहिए, आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, और आपके पास धीरज होना चाहिए। तो बिना पैसा और बिना अकल और बिना पेशेंस से आपको मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा, एक कौड़ी भी नहीं आपको मिल सकती। ठीक है, तो आपको पैसा कमाना है, हर एक आदमी को जो भी ट्रेडर आता है मार्केट में, और मार्केट में वो एक चीज़ दिमाग में लेकर आता है, पैसा। तो पैसा इन दोनों चीज़ों से बनता है, जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में मैंने लिखा है। ठीक है, इसके नंबर एक, इसके बाद एक चौथा एक नंबर है, वो है फियर, डर। इसमें जानबूझकर मैंने इसमें नहीं डाला है, उसको, उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है,
तो आपके पास पैसा है, अकल और पेशेंस नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अकल है, अकल नहीं है, पैसा है, पेशेंस है, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। और आपके पास पैसा है, टैलेंट है, लेकिन पेशेंस नहीं है, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ये तीन चीज़ बहुत ही कमाल की है ये तीन चीज़, और बिना इन तीन चीज़ों से आपको एक रुपया, एक कौड़ी भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन तीनों पर काबू कैसे पाना है मैं आपको आगे समझाता हूँ। पैसा क्या है, आप किस रूप से पैसे को देखते हैं, कि आपके लिए कितना अहमियत का है ये पैसा, और आप पैसे को कितनी कीमत देते हो, इसका वैल्यूएशन आप कैसा करते हो। तो इसमें एक गरीब गरीब एक मजदूर है, गरीब आदमी है एक, तो उसके लिए पैसे का बहुत मूल्य होता है, वो एक एक रुपया, दस दस रुपया भी कमाने में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट। तो पैसा पैसे से ही बढ़ता है, पैसे को बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा मार्केट में, अपना मार्केट पैसों से चलता है, बिना पैसों से यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। आप अगर आप एक किसान हो या फिर आप अगर एक दुकानदार हो तो आपको उधारी पर कोई माल दे सकता है, ठीक है, तो आप उसके पास से कोई माल उधारी से लेकर आप किसी को बेचकर उससे पैसा बढ़ा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्केट में पैसे से ही पैसा बढ़ता है, यहाँ पर कोई चीज़ आपको किसी से उधार नहीं लेनी है, तो आपके पास थोड़ा सा थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आप 2,000 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख 5 लाख 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका पैसा पैसे से ही बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो ये पैसे का एक पौधा मैंने एक यहाँ पर रखा है, तो आपको आप अगर एक आपके घर के सामने घर के पास एक पौधा लगा रहे हो, तो आपको उस पौधे की क्या करनी होगी, उसको पानी डालना होगा, उसको सूरज की रोशनी देनी पड़ेगी और उसका ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो आपको आपका जो भी मनी ट्री है उसकी आपको जिम्मेदारी, आपके आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखने की, ठीक है। तो पैसा जो है आपका, तो मार्केट में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आपका जो भी पैसा है वो बचना इम्पोर्टेंट है। आपने 2,000 रुपये से स्टार्ट किया है, आगे 3 महीने के बाद भी, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपका 2,000 2,000 ही रहना चाहिए। आपका 2,000 से 1,000 हो गया, 1,000 से 500 रुपया हो गया, ये इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका 2,000 से 5,000 हो रहा है, 5,000 से 10,000 हो रहा है, तो मान लो 100 100 रुपये से भी बढ़ रहा है, तो ये आपका पैसा ग्रो हो रहा है। तो पैसा पैसे से बढ़ता है और आपको उसका ख्याल रखना होगा, ठीक है। मान लो ये ट्री, अब ये जो मैंने पौधा यहाँ पर रखा है इसमें 3 ही पत्ते हैं, मान लो ये आम का पेड़ है, आपने 2016 में इसको लगाया और 2026 तक 10 साल में ये बड़ा हो जाएगा और इसको फल आने लगेंगे, तो आपको उस टाइम पे कैसा ख्याल रखना होगा उसका। तो आप आपके जो आए हुए फल है उसको आपको खाना है या फिर बेचना है, उससे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आपको आपका पैसा बचाना है, आपका जितना भी मार्जिन है उसको नहीं खोना है, राइट। दूसरी चीज़ है टैलेंट, होशियारी, दिमाग, ब्रेन, थिंकिंग, आपकी सोच विचार, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका सोच विचार कैसा है, किस प्रणाली का है, आप कौन से स्टॉक में किस तरह से एंट्री लेते हो, किस तरह से स्टॉप लॉसेस लगाते हो और किस तरह से आपकी थिंकिंग है, ठीक है। तो जितने भी ट्रेंड क्लाइंट्स हैं वो वीडियो एक और बार आप सुन सकते हो, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स इसको देख रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग टीचर 2016 का एक स्लोगन यहाँ पर मैंने लिखा है, टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड एंड विन, ठीक है। तो ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और इसमें जीतना कैसे है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक एक एंड ऑफ द डे में, या फिर आपका जब ट्रेड खत्म होगा तो वो ट्रेड विनिंग साइड में ख़त्म होना चाहिए, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देता कि पैसा कितना मिला। हमारा ट्रेड अगर हमारा ट्रेड विनिंग होने का एक्यूरेसी अगर बढ़ता है तो पैसा अपने आप हमारे पास चलता आएगा, हमें पीछे हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है, पैसा हमारे पास ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ठीक है। तो आपका सोच विचार, आपका दिमाग कैसे काम करता है ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये टैलेंट है, तो ये मैं टैलेंट आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ट्रेनिंग के ज़रिए, और मैं लोगों के घर में जाता हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ और उनके पास में जाकर एक दिन अच्छे से सिखाता हूँ। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, आपको थोड़ा बहुत मार्केट का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है उसका ऑपरेशन आपको आना चाहिए, उसमें चार्ट्स आपको देखने चाहिए, ठीक है।
अगर आप इतना कर सकते हो तो बाकी का मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो होशियारी में आपके पास स्किल होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होना चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग आपका दिमाग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी और एक्टिवनेस दिखाना होगा और बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखानी होगी, तभी आपका होशियारी आपको पैसा दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्यौंस है सब, जो चेस का खेल है, बुद्धिबल का खेल है, इसमें ये सब प्यौंस है, लेकिन इसका जो एक परछाई है वो वजीर की तरह है, जो क्वीन की तरह है, ठीक है। तो आदमी दिखने में तो एकदम सिंपल दिखता है, लेकिन उसका टैलेंट कब दिखता है, जब वो कुछ परफॉर्म करेगा, राइट। तो जब उसका परफॉर्मेंस आएगा तब उसके ऊपर लोग उसके उसको तालियां बजाएंगे, उसको पुरस्कार देंगे और उसका रिवार्ड देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका, आप जितना रिस्क लेने की कोशिश करोगे उतना ही रिवार्ड आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये जो टैलेंट है, होशियारी है, तो ये आपको परफॉर्म करके ही दिखाना होगा। जैसे कि मेरे व्हाट्सएप के ट्रेडर्स में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अकेला मैं 300-400 लोगों को संभालता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, खाली ट्रेनिंग के लिए मैं पैसे लेता हूँ, वो भी बहुत कम है। और आप मेरे वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ट्रेनिंग का पेज है, वहाँ पर रजिस्टर करें, वहाँ पर इक्विटी और कमोडिटी दोनों ऑप्शन है, वहाँ पर फीस भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ मेरे कॉल्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। और टेलीग्राम का भी मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, उसका भी एक लिंक है, तो वो भी मैं आपको लिंक कहाँ पर है वो भी दिखाऊंगा, और आपको उस लिंक के ज़रिए आप मेरे कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो आगे पेशेंस आपको कैसे रखना है, ठीक है। पेशेंस, संयम, धीरज, तो ये अपना जो यूनिवर्स है, इसमें सूरज है, चांद है, दिन आता है, रात आती है, समय आता है, ऑफिस का टाइम आता है, अपना काम का समय आता है। तो ये जो दुनिया है, हर दुनिया में हर चीज़ समय से चलती है, ठीक है। हर चीज़ समय से चलती है दुनिया में, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समय से पहले आई हो और समय के बाद आई हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं वो समय आते ही आएंगी, ठीक है। हालांकि एक गाड़ी लेट आ सकती है, आप ऑफिस में लेट पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग बात है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, जैसा हम कहते हैं, वेळ आल्यानंतर ना सगळं काही ठीक होईल, ठीक है। तो ऐसा जो समय है, तो आपको समय, संयम, थोड़ा सा धीरज, पेशेंस बनाए रखना होगा मार्केट में। तो सूरज कब उगता है, सुबह में उगता है, तो आपके लिए मान लो आपको कल दोपहर में काम करना है, तो आपको उतना पेशेंस रखना होगा कि कल की सुबह होने तक, मान लो आपको कल सुबह गाड़ी जाना है, तो आपको कल की सुबह होने तक इंतज़ार तो करना होगा ना। तो आपका समय उसमें, आपका धीरज उसमें कैसे होता है, राइट। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, मान लो ये पिछले स्लाइड में मैंने एक आपको पौधा दिखाया था, उसका पेड़ बनने में समय जाएगा, तो आपको वेट करना होगा। तो इसमें वेट टाइम कितना है, तो उसका कैलकुलेशन अलग बात है, वो मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। और मार्केट में धीरज के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आपको संयम रखना होगा मार्केट में, जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मार्केट में जल्दबाजी करते हैं, पहले घुसने की कोशिश करते हैं और ट्रेड उनका उल्टा ही हो जाता है, राइट। और ये एडवाइजरी कंपनियां जो होती हैं, तो उन पे बहुत भरोसा करते हैं लोग। क्यों इतना भरोसा एडवाइजरी कंपनियों पे है, राइट। वो आपकी गर्दन, आप खुद अपनी गर्दन उनके हाथों में दे रहे हैं। एडवाइजरी कंपनियां अलग बात है, हालांकि सारी एडवाइजरी कंपनियां गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में से 95 एडवाइजरी कंपनियां हराम खोर है। तो उनका एक ही काम है, लोगों को फंसाना, उनके इमोशंस के साथ खेलना और उनसे पैसे उगलवाना, बस। उनके पास से 10,000-15,000 हर महीने का लेना और उनको मैसेजेस में कुछ भी कॉल देना, उसमें कुछ अहमियत नहीं है, उसका प्रॉफिट रेशो उनको पता नहीं है। और वो बस बोलते हैं कि हमने ये कॉल दिया, वो कॉल दिया, हमने वेबसाइट पर अपडेट है हमारा। तो अपडेट कैसे आना चाहिए, एक दिन पहले आना चाहिए कि आपको एक दिन पहले आपको बताने चाहिए कि आपको कल ये करना है, राइट। जैसा मेरा टुमारोज कॉल्स एक दिन पहले आता है, उसमें मेरा एक्यूरेसी कैसा है सब लोगों को पता है। और व्हाट्सएप पर भी मैं जब कॉल डालता हूँ तो उस टाइम पर मार्केट का रेट क्या चल रहा होता है। तो एडवाइजर कंपनियों ने मुझे बताया कि आपको एक स्टॉक में हम SMS भेजेंगे, तो SMS कब आएगा उसका पता नहीं है, उसका टाइम पता नहीं है, तो जब SMS आएगा तब आपको उस रेट पर बाई करना होगा।
तो उस रेट पर वो बताते हैं, मान लो एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 233 रुपया, 233 रुपीज़, और वो टारगेट दिए हैं 237 का, ठीक है। तो जब SMS आता है तो ऑलरेडी वो 236 चल रहा होता है, तो आप 236 पे बाई करते हो और 237 आते ही आपको उसमें से निकल जाना है। तो ये टारगेट अचीवमेंट अलग बात है, लेकिन आपका एंट्री कब है ये भी इम्पॉर्टेंट है। मान लो उन्होंने 233 पे बाई करने को बोला, लेकिन वो रेट आया ही नहीं, वो रेट ऑलरेडी पास्ड है, क्योंकि SMS आने में उसका टाइम जाता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो एडवाइजरी कंपनियों के कैसे आते हैं, जितने भी लोगों ने एडवाइजरी सर्विसेज लिए हैं उसमें से एक भी लोग मुझे फ़ोन करके बताएं कि सर मैं इस कंपनी के साथ में 1 साल से जुड़ा हूँ, 1 साल से। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आपको उसके लिए बहुत ढूंढना होगा कि आपको बस एक फ़ोन आता है राजकोट से, इंदौर से, गुजरात से, MP से, भोपाल से, ग्वालियर से, और आपको फ़ोन पर इमोशनल, आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि हमारे साथ जुड़ो, सारी एडवाइजरी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, सारी एडवाइजरी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, ये बातें आपको सुनाकर आपको आपके पास से वो पैसा उगलवाते हैं, 10,000, 15,000, 30,000, 60,000। तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो खुद अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं, ले भाई काट ले, मेरी काट ले, गर्दन मेरी काट ले, 60,000 में, 10,000 में, 15,000 में। तो मुझे भी ऐसी बात करने में थोड़ा सा हंसी आ रही है, लेकिन ये रियल रियल थिंग है, ये रियल फैक्ट है। तो मुझे कोई एक कॉलर ने कॉल किया था नासिक से, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि सर आप मुझे कॉल दो और आप कॉल्स के पैसे लो, जो जो मैं बनना नहीं चाहता। तो आगे जाकर अभी एडवाइजरी कंपनियों का नाम खराब हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि आगे जाकर मेरा नाम खराब हो, ठीक है। तो एडवाइजरी अभी देखो, व्हाट्सएप पर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपको फ्री कॉल्स चाहिए तो आप, मैं आपको फ्री कॉल्स दूंगा, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, और आपको बस कॉल पे ट्रेड करना है और वॉच भी करना है। अगर आप पहले मेरे कॉल्स को वॉच करो, एडवाइजरी कंपनी आपको फ्री ट्रायल देती है 1 दिन का या फिर मैक्स 3 दिन का, उसके बाद आपको वो सर्विस जुड़ाने पर मजबूर करेंगी, आपको बार बार कॉल करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग टीचर से आपको एक भी कॉल नहीं आएगा कि आप ट्रेनिंग लो, आप पैसा दो, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ट्रेडिंग टीचर एक अलग बात है और एडवाइजरी कंपनी एक अलग बात है। मैंने मुझे इतने सारे कॉल्स आते हैं कि सर आपके कॉल्स अच्छे हैं तो आप कॉल्स के पैसे लो, राइट। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में फिट नहीं होती कि मैं कॉल्स के पैसे क्यों लूँ, राइट। तो क्योंकि ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये लोग बहुत ही मुश्किल से जुड़े हैं, और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। जितने भी उम्र में मेरे से बड़े हैं वो मुझे अच्छा आशीर्वाद दें कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी और आगे मिलने वाले लोगों को भी अच्छा कुछ सिखा सकूँ, ठीक है। तो ये एडवाइजरी कंपनी से दूर रही है आप। और एक तो क्लाइंट मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने एक एडवाइजरी को 10,000 रुपये दे दिया, उसके 2 दिन बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जिन्होंने उनको पैसा दिया था। तो उन्होंने कुछ नाम बताया, अलग नाम बताया, तो नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा किसी का। तो वो नंबर ऑलरेडी मेरे फ़ोन में सेव था किसी और नाम से। तो ये एडवाइजरी वाले अलग अलग नाम से फ़ोन करते हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर से फ़ोन करते हैं। हालांकि और बहुत सारे इंटरनेट पर स्कैम जुड़ रहे हैं और लोगों को इमोशन के साथ खेलने की तैयारी हो रही है। तो आपको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि एडवाइजरी पे भरोसा मत रखो। अगर आपको कॉल्स लेना ही है तो एडवाइजरी कंपनी के पास जाओ, आप उस कंपनी में जाओ, खुद उनके साथ में बैठकर ट्रेड करो, फ़ोन पर ट्रेड, SMS पर ट्रेड मत करो, ठीक है। तो धीरज, संयम, पेशेंस आपको आपके दिमाग में रखना है, और इसके सिवा मार्केट में नहीं, पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जब तक पेशेंस नहीं है आपके पास तब तक। तो पेशेंस क्या है, महात्मा गांधी ने एक अच्छा सेंटेंस बताया है कि टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल। मतलब पेशेंस आपका अगर ख़त्म होता है तो ये बैटल, जो भी वार चल रहा है, जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल वेरियर्स आर दीज टू। मतलब जितने भी एक स्ट्रांग वेरियर्स है, एकदम अच्छे जबरदस्त योद्धे हैं, होकर गए हैं, उनके पास में 2 ही चीज़ें हैं, एक टाइम और एक पेशेंस। मतलब टाइमिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट टाइम पर आप मार्केट में घुसना चाहिए और करेक्ट टाइम पर एग्जिट भी होना चाहिए, ठीक है। और बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं है। टाइम और पेशेंस को साथ में लेकर आपको चलना है, और इसके साथ में एक पैसा भी आपके पास चाहिए ट्रेड लेने में। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है,
हालांकि टारगेट इज़ नथिंग, ऐसा एक वीडियो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ, जो मैं टारगेट देता हूँ इससे भी मार्केट आगे चला जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में? तो टारगेट ऐसे कुछ चीज़ होती ही नहीं है, बस एंट्री और एग्जिट होते हैं। और ये यहाँ पर मैंने जो चीज़ दिखाई है ध्यान, तो आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। जब जब भी आप ट्रेड लो उस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ अलग सोच विचार नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करा करो, तो अपने आप में एक आपको संयम धीरज पेशेंस आता रहेगा, ठीक है। तो चौथा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो मैंने पहले स्लाइड में नहीं लिखा था, वो है डर, फियर, ठीक है। तो फियर क्या है? मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर डरना है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको। आपका बीपी, हार्ट, ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ना चाहिए जब आप ट्रेड लो। आपका दिल धक 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 नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैं उनके साथ में बैठकर ट्रेड करता हूँ कभी कभी, वो ट्रेड करते हैं और डर लग उनके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशंस आता है कि जैसा कोई अभी वो ख़त्म होने वाला है, या फिर कोई शेयर आकर उनके सामने बैठ गया है, ठीक है। तो उनका एक्सप्रेशन चेहरे पर ऐसा होता है कि वो बहुत डर रहे हैं। तो डर क्या है? मैं आपको एक एक मेरे सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने इंटरनेट से उठाई है। फियर इज़ यूज्ड टू कंट्रोल यू, मतलब हम भगवान से डरते हैं, राइट। हम शैतान से डरते हैं, भूत से डरते हैं, हम हमारे पापा से डरते हैं, मम्मी पापा से डरते हैं, बीवी से डरते हैं, अपने बच्चे से भी डरना पड़ता है हमें। क्यों? आपको भगवान, अभी भगवान से आप क्यों डरते हो? तो एक भगवान एक ऐसी चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं दी है, फिर भी हम उससे डरते हैं। क्यों? हालांकि हमारे हाथ में कुछ पाप नहीं होना चाहिए। अगर हम पाप करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, अगर हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट है हमारे इसमें। तो ये एक डर है, आपको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई चीज़ है, राइट। तो आपको मार्केट से भी डरना चाहिए। कब डरना चाहिए? जब आपका पैसा जा रहा है, तो जब आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपको मार्केट से निकलना होगा, राइट। तो वो कौन सा समय है जब आपको मार्केट से निकलना है? प्रॉफिट बुकिंग उसको बोलते हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग भी उसको बोलते हैं। आपका प्रॉफिट आया है, आप उसको लेकर निकल जाओ, रुको मत, ठीक है। तो और एंट्री पॉइंट भी, आपको मार्केट में घुसना कब है और निकलना कब है? हालांकि 5 मिनट में ट्रेड करने वाले लोग हैं, 5 मिनट में 10-10 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग हैं, 1 घंटे में 1 हज़ार रुपये कमाने वाले भी लोग हैं। तो उनका ट्रेडिंग स्किल्स अलग होता है, और उनके पास डर पर काबू होता है, संयम पर काबू होता है, और उनके पास भी पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी लोग मैंने देखे हैं, मराठी लोग, मैं मराठी हूँ, और मराठी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो मार्केट में डाल सकें ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं, कि आपके दोस्तों को जानते हैं कि जिनके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया है, 10-10 लाख रुपया है, हालांकि 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा मार्जिन बहुत लोगों का नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है मराठी लोगों में, तो उनके अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपया बस उतना ही होता है। कब एक एक लोगों के में तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार भी होता है, ठीक है। तो फियर और कंट्रोल, ये एक साइकिल है। यहाँ पर येलो कलर का एक मैंने एक आपको इमेज दिखाया है कि फियर से आप कंट्रोल होते हैं और कंट्रोल से फियर कंट्रोल होता है, कंट्रोल से फियर आता है या फिर फियर जाता है। तो आपको फियर से कंट्रोल करना है और फियर को निकालना है, ठीक है। मार्केट में फियर तो होना चाहिए, लेकिन किस बात का होना चाहिए? लॉसेस का होना चाहिए, प्रॉफिट्स का नहीं। तो हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब भी ट्रेड लेते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं 10 पॉइंट का, और जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो 2 पॉइंट में ही वो एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आपका रिवार्ड भी अच्छा होना चाहिए, और डोंट लेट फियर विन, डोंट लेट फियर विन। तो डर को जीतने मत दो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। डर पर काबू पा लिया तो आप मान लो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रेडिंग टीचर विदा लेता हूँ, टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड एंड विन में। तो जितने भी लोगों को मुझे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।